प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की पहल से पूरे देश को डिजिटल करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत देश के हर एक गांव तक इंटरनेट को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने कारोबार और रोजगार के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। धीरे धीरे बाजार ऑनलाइन होते जा रहे हैं, लोग भी व्यस्त लाइफस्टाइल के चलते ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया के राइटर उपेंद्र राणा डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अपनी मेहनत लगन से भारत के पहले एसईओ बुक राइटर का खिताब अपने नाम करने में सफल रहे हैं। उपेंद्र राणा एसईओ और एसएमओ पर कई किताब अब तक लिख चुके हैं। मैं बुक लिखता हूँ जैसे कि टेक्निक्स ऑफ एसईओ लिखा हमने, जिसमें हमने बताया कि एसईओ क्या होता है, कैसे इसको करते हैं। फिर सोशल मीडियाज़ पे 3-4 बुक आई कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे, क्या तरीके अपनाएंगे ताकि आप अपने फॉलोवर्स या लाइक्स बढ़ा सकें उस पर, और व्यूज़ कैसे आते हैं यूट्यूब पे वो बताया हमने। कुछ बुक्स आई कि मोबाइल ऐप पे आपके ऐप्स डाउनलोड ज़्यादा हो तो उसके ऊपर भी आया हमने। तो हाल फिलहाल में मेरी 9वीं बुक आई है जिसका नाम है स्टेप बाई स्टेप गाइड टू एसईओ, जो कि प्रभात प्रकाशन की तरफ आई है। और ये मेरी वो बुक है जिसके थ्रू हम हार्ड कॉपी में बता रहे हैं लोगों को कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और उसको हम, मेरा एक पहल है कि डिजिटल इंडिया को आगे लोगों तक जोड़े हैं, उससे आगे बढ़े। बात करेंगे यूपी के रामपुर की। रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी शातिर किस्म के अपराधी को मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है।